The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about gallstones. Gallstone kya hai? See, hum baatcheet karenge condition ki gallbladder mein jo एक छोटा सा पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है उसमें अगर कहीं स्टोन बन गया जो कि आपके बाइल होते हैं, बाइल होता है, पित्त होता है, पित्त अगर गाढ़ा होके वहाँ पे स्टोन बन गया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स या गॉल ब्लैडर के रास्ते में जो कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलिडोको मतलब गॉल ब्लैडर के जो रास्ता है बाइल डक्ट, उसमें स्टोन बन जाए तो ऐसे केसेस में भी हमें कई बार कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर के वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों में इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ऐसे कंडीशंस में कई बार बहुत ज़ोरदार पेन होता है और पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर निकलवाने की ज़रूरत तक पड़ जाती है, विच इज़ कोलिसिस्टेक्टॉमी। वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज कोलिसिस्टेक्टॉमी। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट फिर एंटीबायोटिक और पहले उसको रिलीव किया जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट देन आपको अगर बहुत ज़ोरदार पेन हो रहा है, शार्प पेन इन योर एब्डोमेन राइट साइड पे, और फीवर, लो ग्रेड फीवर, नौजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस आ रहा है, तो दैट माइट बी कि आपको कोलिसिस्टाइटिस है। ऐसे में आपके रूटीन ब्लड टेस्ट, आपके अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का, कई बार हिडा स्कैन, हेपेटोबाइलरी इम्यूनो डाइएसिटिक एसिड स्कैन होता है, कई बार ERCP, MRCP करनी पड़ती है टू चेक कि कहाँ कहाँ स्टोन है, कहीं रास्ते में स्टोन तो नहीं है। बाकी टेक्निकली ज़्यादातर केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट इज एन ऑप्शन, बट देन सर्जन्स, और ये इज अ वेरी कॉमन सर्जरी और एक तरीके का एक ऑर्गन है, इसके बगैर भी आपका काम चल जाता है। तो कई बार ज़्यादा पेन, ज़्यादा क्रोनिक कंडीशंस में स्टोन के साइज के मुताबिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो आपको समझना जरूरी है। तो गॉल ब्लैडर को निकाल देना उसे कहते हैं कोलिसिस्टेक्टॉमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर जो पेन कर रहा है, जिसमें इन्फेक्शन है, उसी को निकाला जाएगा, नॉर्मल गॉल ब्लैडर को नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकालना चाहिए, राइट। इसमें अपने पास में एज आई सेड ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और भी होते हैं। एक तो सर्जिकल रिमूवल में दो तरीके की सर्जरी है, एक तो है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टॉमी, जिसमें के दो छेद, तीन छेद करके दूरबीन के जो बड़े बड़े वो होते हैं, दूरबीन के रास्ते उसको निकाल लिया जाता है, दैट इज अ लैप्रोस्कोपिक। दूसरा होता है ओपन, ओपन यानी चीरा, बड़ा चीरा मार के पेट खोल के प्रॉपरली निकालो, ओपन कोलिसिस्टेक्टॉमी, राइट। इसमें इंसीजन होता है राइट साइड लोअर एब्डोमिन, अपर एब्डोमिन में लगाया जाता है। नॉन सर्जिकल टेक्निक भी होती है स्टोन निकालने की, जिसमें कि स्टोन आपको एंडोस्कोपी के थ्रू, एंडोस्कोपी मतलब जहां पे तार डाल के जो गॉल ब्लैडर का रास्ता है उसी में से निकालने की कोशिश की जाती है, वो भी किया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ उसमें करना होता है जिसमें सिम्टम हो। जिस भी पर्सन को सिम्टम नहीं है, जिस भी पर्सन को दर्द नहीं है, उस केस में वॉचफुल, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, एक्सरसाइज बढ़ाई जाती है और कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे ओर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड और हाई फाइबर डाइट रखी जाती है, राइट। ऑपरेशन के क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, वंस बेनिफिट क्या है, एक बार गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो पेन रिलीफ हो जाता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होगा गॉल ब्लैडर की वजह से, राइट। सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ द ऑपरेशन। पॉसिबल ऑब्वियसली रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली बाइल ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ से बाइल लीक हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हर्निया हो सकता है, नमनेस हो सकता है, लेकिन यही सारे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं अगर अगर मान लो फूट जाए गॉल ब्लैडर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन बोथ साइड्स, राइट। हाँ बताओ।